हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है। आज मैं अपना लंच रूटीन है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए जो है सूजी की खीर, क्योंकि वो खाना वगैरह जो है के लिए बहुत परेशान करता है। तो फिर उसके लिए ऐसी जो है कभी कभार जो है रोटी खाता है नहीं, तो उसके लिए कुछ भी लिक्विड फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देसी घी में जो सूजी होती है उसको भूनने के बाद उसका हलवा बनाकर उसमें दूध ऐड कर देती हूँ। तो उसके लिए वो बना रही हूँ और अपने लिए मुझे रोटी बना रही हूँ। मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि बच गए थे एक और लेट हो गया था, 1:30 का टाइम था। इसके 2 बजे के बीच बीच 1 बजे के मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ जल्दी, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ लेकिन वो हल्का होता है, फिर मुझे भूख लग जाती है। तो फिर बस अपना टाइम भी है जो मैंने बनाया और टाइम टेबल 2 बजे तक मेरा लंच हो जाता है। तो बस यहाँ से सबसे पहले मैं अपने बेटे का ही खाना बना रही हूँ, उसको खिलाऊँगी, फिर मैं खुद खाऊँगी। तो यहाँ पर उसके खाने की जो है तैयारी चल रही है। अब खीर जो बन चुकी है, अब उसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ, मतलब जो है मेरा अच्छे से हलवा भून चुका था, मैंने भून लिया था, पानी वगैरह भी डालकर फिर मैं चीनी डालती हूँ, बाद में दूध ऐड कर देती हूँ फिर अच्छी क्वांटिटी में। वो लिक्विड फॉर्म दूध में है तो हेल्दी भी, अच्छा भी है, वो खा लेता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया, तो जल्दी जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए और 1 लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो समझ सकते हैं वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो बस यहाँ पर जो है उसकी जो है खीर जो है रेडी हो चुकी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना, फिर उसको खिलाऊँगी। तब तक मैं अपने यहाँ जो है रोटी वगैरह बना लूँगी, अपना खाने की जो है मैं तैयारी कर लूँगी फटाफट से। तो बस ऐसा है। तो यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ उसके जो है सूजी वाली खीर, उसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अपने लिए रोटी बना रही हूँ। बेटी को मैंने खिला दी थी पहले ही बना के, बेटा तंग करता है, उसको पहले बना के दिया था पराठी, उसने नहीं खाया, अब उसके लिए दोबारा से तैयारी हो रही है खाने की भी, वो कुछ हेल्दी कुछ अच्छा खा ले। तो बस ऐसा है, बर्तन सुबह के धो के रखे हैं, जब सूखेंगे तभी ड्रॉर में लगेंगे नीचे। तो बस यहाँ पर मुझे अपने लिए एक रोटी बनानी, वो बना रही हूँ, और दाल बनाई थी मूँग की, वो पड़ी हुई है, और दही लूँगी और सलाद लूँगी मैं। मेरा एक रोटी बनानी, बस मेरा इतना सा जो है लंच होता है ये, और बस फटाफट से अपनी जो एक रोटी है वो भी मैं बना लेती हूँ। और बस, और यहाँ पे दाल है जो मैं रख रही हूँ गर्म होने के लिए। जब तक दाल गर्म होगी एक साइड मेरी रोटी बन जाएगी, तो मेरा जो ये काम ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है शेयर भी ज़रूर कीजिए। और जो भी नए आते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए आ रहे हैं, रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जो अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पर फटाफट से जो है मैं अपनी एक रोटी बना लेती हूँ, और बस मुझे अब इससे ज़्यादा है नहीं कुछ बोलने के लिए, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा, और आइए आप लोग भी जो है लंच कर लीजिए, खाना खा लीजिए बस। और ये मैं ब्लॉग को सोच रही हूँ, बस वीडियो को जो वॉइस ओवर है इसको यहीं बंद कर देती हूँ, और सबसे पहले मैं अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खुद खाऊंगी, क्योंकि बेटे को खाना खिलाने वाला काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है, वो खा लेगा फिर मैं अपना खाना आराम से 20-25 मिनट लेकर खाती हूँ, खाने को चबा के अच्छी से फिर खाती हूँ। यहाँ पर किचन में मैंने जो आटा वगैरह फैला होता है ना, कपड़ा वगैरह मार देती हूँ साथ के साथ साफ़ हो जाए। तो बस चलिए, मैं आपको मिलने वाली हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाना।